हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के बारे में समझेंगे। ये चैप्टर क्लास 9 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हमें अपने फूड रिसोर्सेस में यानी कि संसाधन, रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है कि संसाधन, तो जो हमारा फूड का संसाधन है यानी जो हमारे जैसे सीरियल्स है, ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स है, ये सब में हम लोग किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं, है ना, उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, तो और इसमें सुधार करने की आवश्यकता क्यों है। तो चूंकि हमारे पास बच्चों इंडिया में लैंड तो सीमित है यानी कि लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लाइटेशन हो रहा है, एकदम एक्सप्लोजन हो रहा है, जिसे दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ते जा रही है और साधन हमारे पास सीमित है। तो कम जगह में कम लैंड में, लैंड तो बढ़ नहीं रहा, लैंड तो जो है वही रह रहा है, तो लैंड उतना ही है हमारे पास और पॉपुलेशन अधिक हो रहा है, तो इसलिए हमें क्या है कि फूड में इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो फूड में इम्प्रूवमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर बच्चों दो प्रकार के किसान हैं जो फूड उपजाते हैं, वो किसान दो प्रकार के हैं। एक वैसे किसान है जो कि बहुत रिच फार्मर है, एक किसान जो है वो क्या है रिच है, और दूसरे किसान वैसे होते हैं जो कि पुअर है, वो गरीब है। तो जो रिच फार्मर है वो रिच फार्मर सबके पास क्या है कि सारी सुविधाएं हैं, यानी कि उसके पास ट्रैक्टर है, जो इक्विपमेंट्स है, आधुनिक जो औजार है, यंत्र है, जैसे कि कृषि कार्य किया जा सकता है, खेती बाड़ी का काम किया जा सकता है, वो सारे चीज उसके पास है, और वो जो है अधिक से अधिक जो है महंगे बीज वगैरह खरीद सकता है, आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो ज़्यादा कर सकता है। लेकिन एक किसान ऐसा है जो कि पुअर है, तो वो किसान के पास उतना संसाधन नहीं है, वो जानवर के सहारे काम करता है, या तो जो है जो उसके पास कम जमीन है और उसी जमीन में वो अधिक से अधिक मेहनत करता है, तो ज़्यादा अनाज नहीं उपजा सकता। तो ये दोनों में इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये दोनों में अनाज की बढ़ोतरी चाहिए, अधिक से अधिक अनाज जो है इम्प्रूव होना चाहिए। तो इम्प्रूवमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है कि इम्प्रूवमेंट कहने का मतलब कि इम्प्रूवमेंट इन पर एकड़ एरिया, मतलब मान लो कि एक एकड़ जमीन में पहले 10 टन की अगर उपज हो रहे थे, वो आधुनिक इस्तेमाल करके, आधुनिक बीजों का इस्तेमाल करके, आधुनिक औजारों का इस्तेमाल करके, अब ये मान लो 12 एकड़ 12 टन हो रहा है, एक एकड़ में 12 टन हो रहा है, तो समझो कि इम्प्रूवमेंट हुआ, अदरवाइज इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर है कि हमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता क्यों है, अपने फूड के रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता क्यों है, और ये इम्प्रूवमेंट जो है किस प्रकार से किया जाएगा, वो अभी जो हमारा नया वीडियो आएगा उसमें हम अभी देंगे। ठीक है, तो टिल देन लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अभी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू शो द इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज ये मैं बतलाने जा रहा हूँ। सी माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।